हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सब के लिए ब्लू वर्सेस पिंक स्टेशनरी का कलेक्शन। और आप देख सकते हो इतना बॉक्स जो है वो पिंक स्टेशनरी से भरा है और इतना जो बॉक्स है वो ब्लू स्टेशनरी से भरा हुआ है। और दोनों स्टेशनरीज के बीच में आज होने वाला कॉम्पिटिशन और इसका विनर कौन होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताओगे कमेंट में कि कौन सी स्टेशनरी विनर है, पिंक विनर है या फिर ब्लू। तो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर का आपको एक कार दिख रही होगी, ये एक पेन है दोस्तों। ये देखो इसके व्हील भी घूमते हैं, आप इसको जमीन पर चला भी सकते हो। यहाँ एक बटन है, इसको प्रेस करने से पेन की जो टिप है वो अंदर बाहर होती है। देखो क्या कमाल का पेन है ना कार शेप में। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है पिंक कलर की एक इरेजर है, देखो एयरप्लेन शेप में एकदम मस्त लग रही है ना, बहुत ही फ्लेक्सीबल है, सो कैसे भी मोड़ो वापस से अपनी शेप में आ जाती है ये। और इधर हमारे पास बहुत ही प्यारा ब्लू कलर का डोरेमोन का छोटा सा नोटबुक है, यहाँ लिखा आई एम ए कैट लाइस रोबोट, यहाँ पर डोरेमोन बना हुआ है। और यहाँ से चिट बटन दिया गया है, इसको ओपन करके आप इसके अंदर जो मर्जी लिख सकते हैं। देखो कितने अच्छे क्वालिटी के पेजेस, यहाँ हर पेज पे लक लिखा हुआ है और पेजेस की लाइंस भी बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, तो ये काफी बढ़िया लग रहा है मुझे। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक बहुत ही प्यारा छोटा सा पिंक कलर का फ्लेमिंगो बर्ड जो होता है उसका इरेजर है। देखो फ्लेमिंगो बर्ड आपने कभी देखा है, नहीं देखा है तो देखा है तो कमेंट में बताना। और इसके बाद यहाँ हमारे पास एक बहुत ही कमाल का ब्लू कलर का एक बस स्टाइल में एक टेबल लैंप है। देखो यहाँ व्हील दिए गए हैं 1 2 3 4 और ये चारों व्हील बहुत अच्छे घूमते हैं। और यहाँ देखो इधर इसका चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से चार्ज भी कर सकते हो, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। यहाँ एक बटन है, इसको दबाने से देखो क्या होता है। पहला बटन दबाने से यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जल जाती है, आपको दिख रही होगी। और ये लाइट ना कलर बदलती है, अभी ग्रीन हो गई, अभी देखना ये ब्लू हो जाएगी, फिर अलग अलग कलर ये बदलेगी। देखो अभी ब्लू हो गई है ना। अब इसी बटन को हम दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पर एक येलो लाइट जलने लगती है और उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। और उसको दोबारा दबाओ तो ये लाइट व्हाइट कलर की हो जाती है, पता नहीं आपको कैमरे में पता चल रहा है कि नहीं। और फिर से दबाओ तो ये फिर से थोड़ी येलो और ब्लू हो जाती है, फिर से दबाओ तो ये बंद हो जाती है। तो इस लाइट के अंदर तीन मोड है और यहाँ पर सिंगल मोड है, बट एक ही मोड में यहाँ पर बहुत सारी लाइटें जलने लगती है। और यहाँ पर आप जो है ना बहुत सारी पेन पेंसिल इसके अंदर रख सकते हो, ये पेन पेंसिल होल्डर का भी काम करता है। और इसको अपने स्टडी टेबल पे कुछ इस तरीके से रखते हो, लाइट जाने के बाद आप इसकी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, कितना कमाल का है ना गाइस ये। और इसको जमीन पर चला करके भी खेल सकते हो। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही प्यारा यूनिकॉर्न का पॉपिट पाउच है, देखो यहाँ पर पॉपिट भी कर सकते हो आप लोग जब आप बोर हो रहे हो। और यहाँ पर देखो यूनिकॉर्न का फेस बना हुआ है और यहाँ पर जिप दी गई है, जिप को ओपन करते ही आप देखो इसके अंदर स्ट्रैप मिलती है, स्ट्रैप लगाने से प्रॉपर बैग बन जाता है और ये वापस से आप अंदर से भी इसको पॉपिट कर सकते हो। मैं इसको बैग बना के दिखाता हूँ, तो ये प्रॉपर बैग बन चुका है। यहाँ पर देखो स्ट्रैप हमने लगा दिए, यहाँ पर देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना गाइज ये बैग, यहाँ पर हमने इसके स्ट्रैप लगा दिए और ये टूटने वाला भी नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर का एक क्रोकोडाइल का पेंसिल बॉक्स है। यहाँ पर देखो क्रोकोडाइल एक यूनिकॉर्न के ट्यूब के ऊपर लेटा हुआ है, बुक पढ़ रहा है, यह लिखा है क्रोकोडाइल फॉरेस्ट होम रीड अ बुक लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको चार बटन दिख रहे होंगे, 1 2 3 और 4, तो इन बटन को दबाते हैं देखते हैं क्या होता है। पहला बटन दबाते हैं, यहाँ से आगे सेलो टेप बाहर और यहाँ पर कटर लगा हुआ है, टेप कट करके आप यूज कर सकते हो। दूसरा बटन दबाते हैं, यहाँ पर शार्पनर बाहर आ गया, यहाँ से पेंसिल शार्प कर सकते हो। थर्ड बटन दबाते हैं, यहाँ पर इसके अंदर सीजर होती है, मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये थोड़ा अभी लूज हो गया बटन, तो देखते हैं बाहर आता नहीं। और ये बाहर आ गए हमारे सीजर, इसको बाहर निकालते हैं, ये देखो ये हमारी सीजर इसके अंदर मिलती है, पेपर कट करने वाली सीजर है। और चौथा बटन दबाते हैं, यहाँ से इरेजर रखने का स्पेस बाहर आ जाता है, तो देखो क्या बढ़िया लग रही है ना पेंसिल बॉक्स। और ये सारे स्पेस इजीली बंद भी हो जाते हैं, ये देखो कितने आराम से बंद हो गए ना। इसके बाद यहाँ से ओपन करके आप यहाँ पर पेंसिल लॉक कर सकते हो, यहाँ पर शेड्यूल लिख सकते हो मंडे टू सैटरडे का, और नेम क्लास और स्कूल नेम भी यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग। यहाँ एक बटन है स्लाइड का, इसको स्लाइड करने से देखो क्या होता है, यहाँ पर एक स्केल बाहर आ जाता है, ये देखो एक स्केल इसके अंदर से बाहर आ गया 18 सेंटीमीटर का, जो यहाँ पर साइड में इसी में लगा रहता है, और देखो वापस से अंदर चला जाता है, कितना कमाल का है ना गाइस ये। और पीछे से एकदम प्लेन है, तो काफी बढ़िया है ये। और इधर हमारे पास पिंक कलर में एक बहुत ही कमाल की चीज है, यहाँ पर एक ट्रेन स्टाइल में एक पेंसिल बॉक्स है, इसके 6 व्हील्स है, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर। और सेम ऐसी हमारे पास ब्लू कलर की भी है, इसमें भी 6 व्हील्स है, ये देखो क्या बढ़िया लग रही है। वेलकम एक्सप्रेस लाइन या पिंक स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर रैबिट बना है, यहाँ पर एक टाइगर बना है या फिर कैट बोल सकते हैं, और वाव लिखा हुआ है। और दोनों की लुक सेम है, बस ये दोनों देखने में दोनों का जो है डिजाइन सेम है, बस बाहर के जो कलर्स है वो अलग है। और देखो इन दोनों के अंदर ही आप यहां से पेंसिल शार्प कर सकते हो दोनों तरफ से, और दोनों में यहां से ही कचरा निकाल सकते हो, देखो इस तरीके से। यहां पर देखो यहां पर ये रहा शार्पनर इसका, यहां से कचरा निकाल सकते हो। और पिंक वाली में भी यहां पर ये देखो यहां से कचरा निकाल सकते हो, और देखो काफी बढ़िया है ना गाइस ये। और दोनों को ही आप खोलोगे तो इसके अंदर यहां भी स्पेस है और यहां भी स्पेस है, और ब्लू वाली में भी आप देखो यहां भी स्पेस है और यहां भी स्पेस है,
तो कैसी लगी आपको पिंक और ब्लू कलर की दोनों पेंसिल बॉक्स ट्रेन वाली कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको पिंक वाली ज्यादा बेटर लगी या फिर ब्लू वाली ज्यादा बेटर लगी जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पिंक कलर की हमारे पास एक बहुत ही प्यारी प्रिंसेस एल्सा की फ्रोजन वॉच है। यहाँ पर देखो फ्रोजन लिखा है, यहाँ पर फ्रोजन प्रिंसेस बनी है और देखो यहाँ एक बटन, यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, इसको प्रेस करने से इसके अंदर आरजीबी लाइट्स जलती है। तो देखो प्रेस करते इसके अंदर आरजीबी लाइट जलने लगी, देखो कैसे लाइट्स इसके अंदर घूम रही है एकदम स्टाइलिश तरीके से। और जब रात के समय इसको आप अपने हाथ में पहनोगे ना, ये वॉच बहुत कमाल की लगेगी। और देखो इसका डायल भी कितना ज्यादा क्यूट है ना गाइज, कितनी जबरदस्त वॉच। इधर हमारे पास सेम ऐसे ही एक और वॉच है, ये गाइज हमारे पास है ब्लू कलर की बैंड 10 की वॉच। यहाँ लिखा है बैंड 10, यहाँ बैंड 10 है, यहाँ पर डायल है वॉच का और यहाँ पर भी बैंड 10 दो दो बने हुए हैं। क्या बढ़िया लग रही है ना, कितनी कमाल की लग रही है ना। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पिंक कलर की एक डबल डेकर बस वाली पेंसिल बॉक्स है। यहाँ लिखा है मरमेड डबल डेकर बस, यहाँ पर मरमेड बनी हुई है, आप इधर से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और यहाँ से डस्ट निकाल सकते हो। देखो ये इनबिल्ट शार्पनर मिलता है इसके अंदर, शार्पनर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ दो व्हील है, यहाँ दो व्हील है इसके अंदर, यहाँ पर दो दो कंटेनर स्टेशनरी रखने के लिए और उसके नीचे भी एक स्पेस बहुत गहरा है स्टेशनरी रखने के लिए, तो काफी सारा स्पेस भी मिल जाता है क्योंकि ये डबल डेकर पेंसिल बॉक्स है तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है इसके अंदर। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कैप्टन अमेरिका का पेंसिल शार्पनर है, इसके सिर में यहाँ पर पेंसिल डालो आप टूटी हुई और हैंडल को 3-4 सेकंड गोल गोल घुमाओ, पेंसिल शार्प हो जाएगी और बाद में यहां से आप डस्ट निकाल सकते हो बाहर सारा का सारा। और इसके हाथों में ना आप पेंसिल्स भी लॉक कर सकते हो, कितनी कमाल की चीज है ये। इधर हमारे पास सेम ऐसे ही यूनिकॉर्न का पेंसिल शार्पनर भी है, देखो कितना क्यूट यूनिकॉर्न लग रहा है ना देखने में, यहाँ पर हॉर्न भी है यूनिकॉर्न का और यहाँ पर आप इसकी नोज के अंदर पेंसिल डाल के शार्प करो, हैंडल को 3-4 सेकंड घुमाओ और यहाँ से बाद में सारा डस्ट निकाल लो और पेंसिल भी शार्प हो जाती है, तो क्या बढ़िया है ना गाइज ये भी यूनिकॉर्न का पेंसिल शार्पनर। और इसके बाद इधर हमारे पास ब्लू कलर की एक कैप्टन अमेरिका की जंबो पेंसिल बॉक्स है, यहाँ पर हल्क भी दिया गया है, यहाँ पर कंपास दिया गया है, यहाँ 4 बटन है, पहला बटन दबाओ तो डबल होल वाला पेंसिल शार्पनर खुल गया, दूसरा बटन दबाओ तो यहाँ पर इरेजर रखने का स्पेस है, तीसरा चौथा बटन दबाने पर यहाँ पर भी अपनी छोटी छोटी चीजें जो है आप इसके अंदर इजिली रख सकते हो। इसके बाद यहाँ से ओपन करोगे यहाँ पर पेन पेंसिल लॉक हो जाएगी, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आ जाएंगी और यहाँ पर भी पीछे की तरफ तो आपकी काफी सारी स्टेशनरी आ जाएगी और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर नेम क्लास भी लिख पाओगे, तो ऐसे पेंसिल बॉक्स बहुत कम होते हैं जिनके ऊपर आप नेम क्लास लिख सकते हो। यहाँ पर यूनिकॉर्न का हमारे पास एक इरेजर है विद रोलर, यहाँ पर यूनिकॉर्न बना है, यहाँ पर देखो इरेजर है कैप हटाने के बाद दिखती है और यहाँ पर एक रोलर है। इस रोलर के क्या क्या यूज होते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना आप लोग। इसके बाद यहाँ हमारे पास एक ब्लू कलर की कार शेप में एक इरेजर है, देखो कितनी क्यूट लग रही है, ये व्हील्स घूमते नहीं है बट इसकी लुक कार वाली है, इसे इरेज कर सकते हो आप लोग। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही प्यारा डोरेमोन का क्यूट सा की चेन है, यहाँ पर देखो पिंक डोरेमोन है क्योंकि पिंक कलेक्शन है तो पिंक डोरेमोन है, यहाँ पर यहाँ डोरेमोन लिखा हुआ है, यहाँ पर डोरेमोन का फेस भी है, यहाँ पर एक बेल भी लगी हुई है और ऐसा हमारे पास एक ब्लू डोरेमोन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो ब्लू डोरेमोन भी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर पिंक डोरेमोन ब्लू डोरेमोन और आज स्टेशनरी भी है पिंक और वर्सेस ब्लू स्टेशनरी का कंपटीशन है, दोनों में बेल लगी हुई है, दोनों में सेम ही स्ट्रैप लगा हुआ है बस कलर अलग है। अब आप मुझे जल्दी कमेंट में बताओ ब्लू ज्यादा बेटर है या फिर पिंक। वैसे बॉयज का कलर ब्लू फेवरेट होता है, गर्ल्स का पिंक फेवरेट होता है हमेशा ही। और यहाँ हमारे पास एक पिंक कलर का हमारे पास अम्ब्रेला आपको दिख रहा होगा, ये अम्ब्रेला वाला पेन है, यहाँ से कैप हटा के पेन को यूज किया जा सकता है, कितना बढ़िया है ना। यहाँ हमारे पास डबल ब्लेड वाली एक कार शेप में पेंसिल शार्पनर है, यहाँ से पेंसिल को डाल के शार्प करो, यहाँ से डस्ट निकाल लो, यहाँ पर दो दो ब्लेड है, एक छोटा एक बड़ा और इसकी लुक बिल्कुल कार वाली है। यहाँ हमारे पास बहुत ही प्यारी एक LOL वॉच है, देखो यहाँ लिखा LOL, यहाँ LOL गर्ल बनी हुई है, यहाँ पर LOL गर्ल का फेस है, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो और इसको बंद कर सकते हो इस तरीके से और यहाँ पर 2 बटन है टाइम सेट करने के लिए, बटन एक बहुत काम का बटन है, इसको प्रेस करने से देखो क्या होता है, सबसे पहले से तो अनलॉक हो जाता है, यहाँ पर टाइम देख पाओगे, दोबारा दबाओगे तो यहाँ पर लाइट और म्यूजिक आने लगता है, देखो यहाँ 3 लाइटें जल रही हैं और यहाँ पर आप देखो स्पीकर है, यहाँ से म्यूजिक आता है, काफी बढ़िया वॉच है ना। कैसी लगी आपको LOL गर्ल की वॉच कमेंट में जरूर बताना मुझे। और यहाँ हमारे पास स्पेस ट्रेवल का एक पाउच है, पेंसिल केस है, यहाँ एस्ट्रोनॉट बना हुआ है, यहाँ पर पीछे से प्लेन है, यहाँ से जिप ओपन करके इसके अंदर आप बहुत सारी स्टेशनरी आइटम आराम से रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पिंक कलर का पेंसिल केस है हमारे पास, यहाँ यूनिकॉर्न बना हुआ है पूरा, पीछे से बिल्कुल प्लेन ब्लू है, 3D स्टाइल में यूनिकॉर्न बना है, इधर 2 जिप है, जिप्स को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या देखने के लिए मिलता है हमें। यहाँ पर नेट वाली पॉकेट है, इसके अंदर आप अलग अलग चीजें यहाँ पर रख पाओगे, इसको बंद कर देते हैं,
और ये बंद हो गया, यहाँ पर पेन पेंसिल लोक हो जाएंगे, इसके नीचे भी आपकी बहुत सारी फेवरेट स्टेशनरी आइटम्स आराम से आ जाएंगी। और ये देखो इजीली ये भी यहाँ पर बंद हो रहा है। और यहाँ हमारे पास एक ब्लू कलर की कैप्टन अमेरिका की पेंसिल बॉक्स है, देखो ये पूरी हाई प्लास्टिक की बनी है, यहाँ पर लिखा कैप्टन अमेरिका। और यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ट्रे मिलती है व्हाइट कलर की, इसके अंदर चार पेंसिल लोक हो जाती है। और इसको हटा के आप इसके नीचे भी आप अलग अलग फेवरेट स्टेशनरीज, अपनी काम की स्टेशनरीज, फेवरेट स्टेशनरीज सब कुछ आप आराम से रख पाओगे। इधर हमारे पास ब्लू कलर का एक बहुत ही कमाल का पेंसिल शार्पनर है, वो भी एक एस्ट्रोनॉट की शेप में। ये देखो बेबी एस्ट्रोनॉट है, इसको आप ऐसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हो, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करो हैंडल घुमा के और ऐसे ओपन करके डस्ट निकाल लो। देखो ये दो टुकड़े हो जाते हैं इसके, ये खुल जाता है वापस से, ये लग भी जाता है, इसको वापिस लगा देते हैं गाइस। ये देखो ये वापिस लग भी गया, कितना कमाल का है ना ये भी। और यहाँ हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर भी एक पेंसिल शार्पनर है और एक कैमरा शेप में पेंसिल शार्पनर है। देखो ये बहुत ही यूनिक होता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो कैमरा की शेप में लग रहा है ना, आई वांट गो होम या लिखा एस के भी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक होल है, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प कर लो, हैंडल को गोल गोल 3-4 सेकंड घुमाओ और यहाँ से डस्ट निकाल लो। देखो हमने पेंसिल शार्प करी थी तो पहले से इसके अंदर काफी सारा डस्ट पड़ा है, इसको हम डस्टबिन में खाली कर देते हैं और देखो वापस खाली हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। देखो कितना बढ़िया है ना गाइस ये पेंसिल शार्पनर कैमरा की शेप में, इसको डेकोरेट करोगे ना घर में या स्टडी टेबल पे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ हमारे पास एक यूनिकॉर्न का छोटा सा एक इरेजनर है, यहाँ तो इरेजर मिलता है आपको और यहाँ पर आपको मिलता है शार्पनर, यहाँ से कैप हटा के शार्प कर लो और बाद में ऐसे ओपन करके डस्ट निकाल लो। ये रहा ब्लेड, तो इधर शार्पनर है और इस तरफ इरेजर है। इधर हमारे पास एक छोटा सा पेंसिल केस है, ये देखो इसको निकालते हैं और ये देखो कैप्टन अमेरिका का पेंसिल केस है, यहाँ पर कैप्टन अमेरिका या एवेंजर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर पीछे से प्लेन है, यहाँ पर जिप दी गई है, तो इसको ओपन करते हैं और देखो क्या क्या मिलता है इसमें। यहाँ पर पेन पेंसिल लॉक हो जाएंगे और इसके नीचे आपकी बाकी की स्टेशनरी आइटम्स आ जाएंगी। देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना, बाहर से इसकी लुक कितनी मस्त लग रही है। और यहाँ हमारे पास पिंक कलर का एक हमारे पास एक लंच बॉक्स है, यहाँ जिराफ है, एलिफेंट है, टाइगर है, दो डियर, एक मामा डियर, एक बेबी डियर। इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो एक स्पून मिल रही है हमें और यहाँ पर एक मिनी बॉक्स मिल रहा है, हमें सब्जी सैलेड लेकर जा सकते हो, अचार लेकर जा सकते हो और बाकी के एरिया में राइस और रोटी लेकर जा सकते हो स्कूल। देखो छोटा सा क्यूट सा लंच बॉक्स, कितना प्यारा है ना, आपको कैसा लग रहा है पिंक कलर का लंच बॉक्स कमेंट में मुझे जरूर बताना आप लोग। इसके बाद यहाँ ब्लू कलर का और पिंक कलर का सेम हमारे पास सेम लुक में एक बहुत ही प्यारा ट्रेन वाला पेंसिल बॉक्स है, इसमें भी 8 व्हील है, 4 इधर 4 इधर और इसमें भी 8 व्हील है, 4 इधर 4 इधर। ये पिंक और ब्लू कलर का है, यहाँ लिखा है वेलकम स्पेस ट्रेवल, यहाँ लिखा है मरमेड ट्रेन, तो देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। और दोनों में ही आप देखोगे तो यहाँ पर दो दो होल है, यहाँ से पेंसिल शार्प कर सकते हो और ऐसे ओपन करके डस्ट निकाल सकते हो। देखो इसमें भी ब्लेड यहाँ पर लगा हुआ है और इस वाली में भी ब्लेड यहाँ पर लगा हुआ है, देखो ये रहा ब्लेड और ये देखो वापस से ऐसे बंद भी हो जाते हैं। तो इसके अंदर दोनों के अंदर ही आप पेंसिल शार्प कर सकते हो और दोनों में ही इधर से ओपन करोगे तो यहाँ पर पेन पेंसिल लॉक कर पाओगे। यहाँ पर शेड्यूल स्लिप है और इसमें भी आप देखो पेन पेंसिल यहाँ लॉक पाओगे, इसके अंदर शेड्यूल स्लिप नहीं है। और इसको पीछे से ओपन करोगे यहाँ पर बहुत गहरा स्पेस है और इसको भी पीछे से ओपन करोगे यहाँ पर भी बहुत गहरा स्पेस है। आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि ब्लू ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स ज़्यादा अच्छी है या फिर पिंक ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स ज़्यादा अच्छी है, जल्दी से कमेंट में बताओ यार मुझे, देखते हैं किसको कौन सी पसंद आती है। यहाँ पर एक पिंक कलर का एक और पेंसिल बॉक्स है हमारे पास, यहाँ पर इसके अंदर कैलकुलेटर मिल जाता है हमें और ये कैलकुलेटर अलग भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ करके कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो और वापस से कैलकुलेटर ये वापस लग भी जाता है। यहाँ पर एक मेज गेम खेल सकते हो आप लोग, देखो यहाँ पर मेज गेम दी गई है खेलने के लिए, देखो कितने बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पर गेम्स खेलने में। और यहाँ से इसको ओपन करोगे आप लोग, एक बटन है इसको प्रेस करते ही ओपन हो जाता है, पेन पेंसिल लोक हो जाएंगे, इसके नीचे आपकी बाकी की स्टेशनरी आइटम्स आराम से आ जाएंगी। लास्ट में यहाँ पर हमारे पास किटी का एक बहुत ही जबरदस्त पेंसिल बॉक्स है और देखो यहाँ पर कुछ बटन्स हैं पिंक ब्लू रेड और ग्रीन कलर का। तो पहला बटन दबाते हैं ब्लू, यहाँ पर शार्पनर ओपन हो गया। दूसरा बटन दबाते हैं यहाँ पर देखो कैलेंडर सेट कर सकते हो। ग्रीन बटन दबाते ही यहाँ पर इरेजर रखने का स्पेस है। यहाँ एक पिंक बटन है इसको दबाओ तो यहाँ पर थर्मामीटर ओपन हो गया, यहाँ पर रूम में क्या टेम्परेचर आप देख सकते हो और ये एक्चुअल टेम्परेचर दिखाता है। और येलो बटन दबाओ तो यहाँ पर एक पेंसिल्स निकालने का स्पेस ओपन हो गया, बट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, तो इसकी खासियत है ये, है ना गाइस, कितने कमाल का मल्टी फंक्शनल पेंसिल बॉक्स और ये इजीली बंद भी हो जाते हैं सारे स्पेस। और पीछे की तरफ भी आप स्टेशनरी रख सकते हो। तो गाइज मैंने एक एक करके सारी स्टेशनरी आइटम आपको दिखाई एकदम डिटेल में, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे ग्रुप्स में शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आज के वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस हमेशा ही आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों बाय बाय दोस्तों।